लास्ट लेसन में हमने देख लिया कि हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे पैसा जो है सर्कुलेशन में आया, हम कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, और बैंक क्या होता है और बैंक कैसे लेंडिंग करता है और कैसे हमारा डिपॉजिट रखता है। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लेसन करेंगे कि इंटेलिजेंट कंज्यूमर कौन होता है, कैसे हम जो है कोई परचेज को इंटेलिजेंटली हैंडल कर सकते हैं। पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम चीज़ें परचेज क्यों करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि टू मेंटेन सोशल स्टेटस। तो हम आईफोन खरीदते हैं या कोई ब्रांडेड टी शर्ट खरीदते हैं, तो ये जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बट हम अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं कि लोग हमें देखें और बोलें कि ये अमीर है। तो एक तो कारण हो गया कि हम सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए चीज़ें परचेज करते हैं। दूसरा परचेज का रीज़न है साइकोलॉजिकल मोटिव्स। मान लो ये लड़की बोल रही है कि मैं बहुत सैड हूँ, लड़का क्या बोलता है कि लेट्स गो आउट एंड बाय सम आइसक्रीम। कई बार होता है कि हम कुछ स्ट्रेस में होते हैं और कुछ हम परचेज करने चले जाते हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं होता कोई चीज़ परचेज करने का, बट हम अपने मूड को ठीक करने के लिए कोई चीज़ें परचेज कर लेते हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दूसरा जो मेजर रीज़न है वो है साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तीसरा रीज़न है कमर्शियल एड्स। कमर्शियल एड जो होती है जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगती हैं, वो हमें ये जताती हैं कि हमारे पास ये चीज़ है नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो कमर्शियल एड जैसे बाय वन गेट वन फ्री, तो ये एड्स ऐसी होती हैं कि हमें ललचाती हैं कि अगर हमने एक चीज़ खरीदी है तो हमें दूसरी चीज़ फ्री मिलेगी, बट एक्चुअल में ये नहीं होता है। वो एक चीज़ में ही दो चीज़ों के प्राइस आपको कोट करके देते हैं और डबल प्राइस आपसे एक चीज़ का ले लेते हैं, और आपको लगता है कि आपको एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिली है। तो कमर्शियल ऐड जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होती हैं, लोगों को लगता है हम सस्ता खरीद रहे हैं बट वो एक्चुअल में महंगा होता है। और अगला मोटिव है कि हम फन के लिए जो मॉल में जाते हैं तो हम फन फन में ही चीज़ें खरीद लेते हैं। हमें क्या है कि वीकेंड आया तो हम क्या करते हैं, हम मॉल में घूमने चले जाते हैं, वहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, हम वो चीज़ों को खरीद के घर पे ले आते हैं और बाद में वो किसी कमरे में या किसी कोने में पड़ी रहती हैं। तो जो हम शॉपिंग करते हैं फन के लिए, वो भी हमें जो है एक्स्ट्रा रेंज खर्चा करने के लिए मजबूर कर देती है और हमारा बजट जो है वो ख़राब हो जाता है। अब हमने ये देख लिया कि हमने अनवांटेड चीज़ें खरीदने का तो रीज़न ढूंढ लिया कि हम क्यों खरीदते हैं। हम साइकोलॉजिकल मोटिव से खरीद सकते हैं, हम मॉल घूमने के चक्कर में कर सकते हैं, हम कुछ अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। अब हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो पहला तरीका है कि जब भी आप किसी मॉल में जाओ या कहीं भी कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कितनी स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपको स्पेंड करनी है। तो आप उसको लिख लो, चाहे आप कहीं पे नोट कर लो या माइंड में नोट कर लो कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं, तो आप तब अनवांटेड परचेज करने से काफ़ी हद तक बच जाओगे। सेकंड तरीका है कि आप एक बजट मेंटेन करो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी अर्निंग है और कितना आपने खर्चा करना है, इससे भी आप जो अनवांटेड परचेज से बच जाओगे, क्योंकि जब भी आप कोई अनवांटेड चीज़ लेने जाओगे तो आपका बजट सारा खराब हो जाएगा, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप कंट्रोल में खर्चा करोगे। तीसरा तरीका है कि आप जब भी बाहर घूमने जाते हो, कोई चीज़ परचेज करने जाते हो, तो उसकी एक लिस्ट बना के जाओ। आजकल कल्चर क्या है, जब हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले पे होती हैं, तो अगर हम एक चीज़ खरीदने जाएँ तो दूसरे पे नज़र पड़ती है या हाँ ये भी उठा लेते हैं, बट हमें एक्चुअल में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अगर आप घर से लिस्ट बना के जाओगे तो आप वही चीज़ लेके आओगे जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हमेशा जो है प्राइसेस को कंपेयर करो। आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे आप इजीली जो है प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। जहाँ भी आपको सस्ता मिले वहाँ से खरीदो। आप फेस्टिव सीजन में बाहर जा सकते हो, वहाँ पे कभी काफ़ी डिस्काउंट लगे होते हैं, तब चीज़ें खरीद सकते हो। तो आपको आपका माइंड सेट करना होगा जिससे आप अनवांटेड परचेज ना कर सको और आप पैसा सेव कर सको। अनवांटेड चीज़ों का कोई जरूरत नहीं होती घर पे, वो कहीं कोने में पड़ी रहती है और कुछ देर बाद हमें उसको किसी को देना पड़ जाता है। तो ये लेक्चर था मनी फॉर किड्स। इसमें मैंने बताया कि कैसे पैसा सर्कुलेशन में आया, हमें बजट कैसे बनाना है, हमें अनवांटेड चीज़ों को परचेज करने से कैसे बचना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा सकोगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।